जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का जो सबसे बड़ा डाउट रहता है कि सर हमारे फॉर्म में ये गलती हुई है, हमारे फॉर्म में ये गलती हुई है, क्या हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, और दोस्तों एडमिट कार्ड आपके कब से आएंगे, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर SSC की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है। उस नोटिस में दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपका दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, उसकी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि दोस्तों आपसे एक भी जानकारी छूटे नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी विस्तारपूर्वक देते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बता दें, अगर दोस्तों आप यहाँ पर SSC GD की जो टेस्ट सीरीज है वो परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर परीक्षा ऐप की जो टेस्ट सीरीज है उसे परचेस कर लीजिए। परीक्षा ऐप दोस्तों डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बेस्ट टेस्ट सीरीज रहने वाली है जिसमें दोस्तों आपको 50% का जो डिस्काउंट है वो देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों आप हमारा कोड जीनियस 50 यूज करते हैं तो आपको दोस्तों 50% यानी दोस्तों टेस्ट सीरीज आधे में ही मिल जाएंगे। दोस्तों इसमें आप अपने रैंक भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो कितनी आ रही है, आपसे कितने ज़्यादा स्टूडेंट आगे हैं। यहाँ पर जाकर दोस्तों आप सब कुछ चेक कर सकते हैं कि दोस्तों जो एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज होती है, जो एग्ज़ाम के अनुसार पैटर्न होता है उसके अनुसार ये टेस्ट सीरीज बनाई गई हैं, तो वहाँ पर जाकर दोस्तों आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। इसका जो परीक्षा लिंक, परीक्षा ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, चलिए जाइए दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे थे SSC GD की यहाँ पर बारे में, क्योंकि दोस्तों आप सभी मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर कोई ऐसी PDF बता दीजिए जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए और यहाँ पर हमारा जो पेपर है वो पास हो जाए। तो दोस्तों आप सभी के कहने पर हमने यहाँ पर पूरा जो PDF है वो तैयार कर दिया, यूट्यूब पर सबसे बेस्ट PDF दोस्तों यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब दोस्तों जो आप पढ़ोगे वही एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर 25,000 क्वेश्चन की जो PDF है उसे तैयार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 25,000 क्वेश्चन की PDF है जो दोस्तों पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, ओनली दोस्तों स्टडी फॉर जीनियस पर मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पर 1,000 रुपये की जो PDF है मात्र आपको 100 रुपये में मिल रही है। PDF आप कैसी ले सकते हैं, देखिए दोस्तों PDF का जो नंबर आपको आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर शो कर रहा है 6396453592, इस पर जाकर दोस्तों आप PDF ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको दोस्तों नोट कर लीजिए। किसी भी किताब को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये PDF इतना दोस्तों बेहतरीन PDF है कि अगर आप इस PDF को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वास्तव में ही इस PDF पे हमने मेहनत की है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो PDF है 1 से 2 महीने की मेहनत के अंदर बना है और इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। जी फ्रेंड्स, मैं आप सभी से बोलता हूँ कि इसमें अगर आपने अपना पूरा टाइम दे दिया तो दोस्तों 1 से 1.5 महीने के अंदर इसमें आप अपना 80+, जी हाँ दोस्तों 80+ दोस्तों अंक जो है पा सकते हैं, 80+ दोस्तों आप यहां पर नंबर ले सकते हैं केवल दोस्तों 1 से 1.5 महीने के अंदर। क्योंकि दोस्तों हमने इसमें कोई फालतू का आपको चीज़ प्रोवाइड नहीं की है, हमने सिर्फ वही प्रोवाइड किया है जो एग्जाम में आएगा। फालतू आपको पढ़ने नहीं है भाई, आप जो लोग फालतू पढ़ रहे कोचिंग सेंटर पर जाकर वो चीज़ अब आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि लास्ट में क्या पढ़ना है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों PDF ले लीजिएगा अगर ये नंबर आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको दे देते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर किस किस अभ्यर्थियों के जो फॉर्म है रिजेक्ट होंगे या नहीं होंगे, कैसे दोस्तों आप चेक कर सकते हैं बिना किसी दोस्तों यहाँ पर आपको कठिनाई के, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि आपको SSC के ऑफिस जाना होगा, वहाँ पर जाकर देखना होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। SSC ने दोस्तों इसके थ्रू आपको पूरी जानकारी दे दी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक SSC ने नोटिस जारी किया है, यहाँ पर खुद भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये नोटिस है, मैं इसको ओपन करके आपके सामने दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, मैंने इसे डाउनलोड किया, ठीक है। अभी आपके सामने डाउनलोड हो रहा है और देखिए दोस्तों ये ओपन भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों क्या लिखा है, यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं, आपकी डेट वगैरह सब कुछ दी गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा नीचे चलते हैं दोस्तों, देखिए 113 पेज का ये PDF काफ़ी ज़्यादा लंबा है, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा दोस्तों नहीं पढ़ना है इसमें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, यानी आपको कैसे चेक करना है कि आपका फॉर रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है।
देखिए दोस्तों, ये इसमें रिलेक्शन के बारे में बताया गया है कि किस किस को दोस्तों कितना रिलेक्शन मिल रहा है। एस सी एस टी को 5 साल का, ओबीसी को दोस्तों यहाँ पर 3 साल का, और पी डब्ल्यू डी वाले जो होते हैं उन्हें 10 साल का, ठीक है। पी डब्ल्यू डी जो ओबीसी के उन्हें 13 साल का, और जो पी डब्ल्यू डी के हैं एस सी एस टी के उन्हें 15 साल का। तो एक्स सर्विस मैन के लिए दोस्तों 3 साल का, जब उन्होंने दोस्तों यहाँ पर क्लोजिंग किया हो अपने किसको यहाँ पर जो नौकरी को, ठीक है, उसके लिए बताया गया है। थोड़ा नीचे चलते दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और आपको जो है वो चीज़ दिखाता हूँ जिसमें दोस्तों आपको ये देखिए वो चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। भाई देखिए दोस्तों, फोटो साइज़ को लेकर अधिकतर दोस्तों यहाँ पर नोटिस जारी करता है एसएससी जीडी, क्योंकि भाई फोटो इंपॉर्टेंट होता है एसएससी जीडी में, क्योंकि फ़ोटो अगर आप सही से फिलअप नहीं करेंगे तो भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा पक्का। देखिए दोस्तों ये चीज़ है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर दोस्तों 72 पर आपको आना है, और पेज नंबर 72 पर आने के बाद आपको ये चीज़ मिल जाएगी। देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है सैंपल ऑफ फोटोग्राफ अलाउड एंड विच आर मार्क्ड आर नॉट अलाउड। देखिए दोस्तों कैसे कैसे आपके फ़ोटो चलने वाले हैं। ये फ़ोटो दोस्तों ओके है, बिल्कुल ये चल जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर ऐसे आपने किया है, एक्स्ट्रा कलर किया है इस पर, तो वो नहीं चलेगा। और दोस्तों टू क्लोज किया है, यानी दोस्तों आपका सिर्फ ओनली चेहरा चेहरा चमक रहा है, नीचे का दोस्तों जो बैकग्राउंड है जैसे यहाँ का ये जो हिस्सा है गायब कर दिया आपने, तो वो दोस्तों इसमें वो भी दोस्तों आपका रिजेक्ट कर देंगे भाई, ठीक है। और देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो स्टूडेंट होते हैं फोटो खिंचाते हैं, यानी उनका चेहरा नहीं चमकता है, ब्लर फोटो खिंचाते हैं, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत चीज़ है, ये भी दोस्तों गलत है, तीनों ही फोटो गलत है। ऐसे फॉर्मेट में आपका दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट होगा। और देखिए दोस्तों आपका जो इनवर्स फोटो होता है दोस्तों, अगर आप फोटो को रोटेट कर देते हैं ऐसे कुछ इस प्रकार से, तब भी दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट होगा। टू डार्क कर देते हैं दोस्तों किसी इस प्रकार से, तब भी दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट होगा। और देखिए विद गोगल्स, यानी दोस्तों अगर आप चश्मे पहन कर फोटो खिंचाते हैं तो तब भी दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। और इस प्रकार से फोटो खिंचाते हैं दोस्तों, साइड में फेस आपका है, देखिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं, सामने नहीं देख रहे हैं, तब भी फॉर्म रिजेक्ट होगा। और देखिए दोस्तों आपने फोटो को स्मॉल यानी छोटा कर दिया है बॉक्स से भी, तब भी आपका जो फॉर्म रिजेक्ट होगा। और देखिए विद दो स्पेक्ट्रल, यानी दोस्तों पीछे का जो बैकग्राउंड है वो नहीं नज़र आ रहा है, आपका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा है, तो तब भी आपका यहाँ पर जो दोस्तों फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है। और कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, एडिटिंग कर देते हैं अपने चेहरे के ऊपर, कुछ भी लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर कैप लगी हुई है, तो ये भी दोस्तों गलत है, इससे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे इन्होंने फुल फॉर्म दिए हैं कि कैसे दोस्तों इसमें ऊपर जो फुल फॉर्म लिख गई है उनका मतलब क्या है, ऊपर जितने भी फुल फॉर्म है उनका मतलब ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों इन्होंने फॉर्म के बारे में बताया कि कैसे कैसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपने ये फिलअप नहीं किया है तो भाई आपका दो है यहाँ पर जो दोस्तों फॉर्म है रिजेक्ट होगा, देखे ठीक है, आपको साफ साफ समझ आ रहा है भाई। देखिए यहाँ पर सब कुछ चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए भाई सैंपल इन्होंने एक सैंपल दिया है कि जिसने भी दोस्तों ऐसे फॉर्म को फिलअप किया है तो उसका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों डेट भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया भाई, 23/6/2021, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ये पुराना दोस्तों इसमें फ़ोटो लगाया हुआ है 23/6/2021 का, वो इसमें डेट है। अब देखिए दोस्तों इसमें सब कुछ लिखा गया भाई, यहाँ पर देखिए आपकी डिपार्टमेंट, पोस्ट नेम, पोस्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एज वगैरह सब कुछ दोस्तों आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी दोस्तों आपकी सारी इंक्वायरी हैं सब इसमें आपको मिल जाएंगी, पूरी दोस्तों लिस्ट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत लंबी लिस्ट है भाई, देखिए काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट है, ये दोस्तों एसएससी की तरफ से जारी की गई है। अब इसको दोस्तों आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कीजिएगा, आपको जो है ये जो पीडीएफ है मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए इंक्वायरी वगैरह दी गई है, जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो दोस्तों वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, उसका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सकता है, ये इसमें बात की गई है, ठीक है। सैंपल पेपर दिया गया है आपको, तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, अच्छे से समझा, और इस वीडियो में आपने दोस्तों जाना कि किस किस के जो फॉर्म रिजेक्ट होंगे, फ़ोटो कैसे लगाना है, फ़ोटो कैसे नहीं लगाना है, वो भी इसमें बताया गया, ठीक है। तो आप सब कुछ चेक कर सकते हैं देखिए दोस्तों, और इसमें दोस्तों फॉर्म को फिलअप करके आप अपना जो है फॉर्म बचा सकते हैं, यानी आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सकता है, तो ये दोस्तों बात की गई है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।